हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे हम सिंबॉलिक कांस्टेंट अपने अरे में यूज़ करते हैं और क्यों हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि हम सिंबॉलिक कांस्टेंट अरे के अंदर यूज़ करें। सिंबॉलिक कांस्टेंट हम पहले के वीडियोस में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे और इसमें ये पढ़ेंगे कि सिंबॉलिक कांस्टेंट को अरे के अंदर क्यों लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक अरे ले लेता हूँ, इंटीजर अरे का नाम है, अरे ही लिख लेता हूँ। उसके अंदर मैं साइज़ दे देता हूँ 10। ठीक है, मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें यूज़र हमसे 10 वैल्यूज़ मांगे और ये जो 10 वैल्यूज़ मैं एंटर करूंगा वो इस एरे के सारे इंडेक्सेस के अंदर स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, स्टोर होने के बाद ये यूज़र सॉरी ये कंपाइलर चेक करेगा कौन सी सब वैल्यू सबसे बड़ी है, कौन सी वैल्यू सबसे मैक्सिमम है। जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो हमें डिस्प्ले हो जाए, सिर्फ इतना सा काम है। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक और इंटीजर वेरिएबल लेनी पड़ेगी। यहाँ पे मैक्सिमम मैंने एक वेरिएबल ले लिया मैक्सिमम नाम से और एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ आई। आई से क्या होगा, आई हमारे लूप को हैंडल करेगा। मैं यहाँ पे लूप स्टार्ट कर देता हूँ फॉर, और फॉर के अंदर मैं आई इक्वल्स टू ज़ीरो, लूप स्टार्ट होगा 0 से आई लेस देन 10। ठीक है, 10 से 10 तक चलेगा, 0 से 10 तक, मतलब कि 0 से 9 तक। ठीक है, आई प्लस प्लस, यहाँ पे मैं आई प्लस प्लस कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्रिंट ऑफ करवाता हूँ, यूज़र को मैसेज दिखाता हूँ, एंटर एंटर वैल्यू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज डी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्कैन ऑफ करता हूँ। स्कैन अप करने के बाद यहाँ परसेंटेज डी और यहाँ पे एम परसेंट का साइन और एरे का नाम, एरे के नाम के बाद वो लोकेशन जहाँ पे मैं वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ, बस इतना सा काम है। इसमें क्या होगा कि ये हमारा लूप 10 टाइम चलेगा और 10 टाइम हमसे वैल्यूज़ मांगेगा और हम 10 वैल्यूज़ यहाँ पे एंटर करेंगे और बारी बारी ये सारी वैल्यूज़ इस एरे को फिल करेंगी। ठीक है, इसके बाद मैं एक और लूप यूज़ कर लेता हूँ, और उसके पहले यहाँ पे मैं प्रिंट ऑफ करवा लेता हूँ एक न्यू लाइन स्लैश एन के साथ, ताकि थोड़ा सा नीचे हमें रिज़ल्ट मिले इसका। ठीक है, तो मैं एक दफ़ा और लूप यूज़ कर लेता हूँ, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब देखें इसमें मैं क्या करूँगा, एक कंडीशन लगाऊँगा, इफ़ यहाँ पे मैं मैक्सिमम को इक्वल टू 0 कर देता हूँ ताकि कोई मसला ना बने हमारे प्रोग्राम में। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा यहाँ पे मैं इफ़ मैंने लगा दिया हुआ है, अरे आई ग्रेटर देन मैक्सिमम, अगर ये जो हमारा अरे 1 है ये 0 इंडेक्स में जो वैल्यू है वो अगर मैक्सिमम के मैक्सिमम से बड़ी है तो उसको क्या करो, मैक्सिमम इक्वल्स टू अरे आई कर दो। ठीक है, तो ये जब हमारा लूप कंप्लीट हो जाएगा तो मैक्सिमम में जो वैल्यू आएगी वो सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वही मैक्सिमम के अंदर आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट ऑफ करवा देता हूँ और प्रिंट ऑफ करवा देता हूँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अरे इज, और यहाँ पे परसेंटेज डी और यहाँ पे मैक्सिमम। ठीक है, अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो देखें फ्रेंड, मैं 10 वैल्यूज एंटर करूँगा, मुझे एरर यहाँ पे आ रहा है स्कैन एफ, स्कैन एफ के स्पेलिंग गलत है, स्कैन एफ, ये ए को मैंने यहाँ पे लिखना था। ठीक है, अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो देखें फ्रेंड, यूज़र हमसे वैल्यूज़ मांगेगा और कौन कौन सी लोकेशन में स्टोर होगी वो भी साथ बताएगा। 0 लोकेशन में वैल्यू एंटर करता हूँ 5, फिर 6, 9, 8, 10, 22 और 36। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारे पास टोटल 10 वैल्यूज़ एंटर हो चुकी हैं। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो इन वैल्यू में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमें डिस्प्ले होगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अरे इज़ 36, तो आप देख सकते हैं कि 36 जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वही थी 36। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास ये जो सिंबॉलिक कांस्टेंट है उसका कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे है भी नहीं, कहीं पे भी नहीं है। तो सिंबॉलिक कांस्टेंट ज़्यादातर हम अगर सिंबॉलिक कांस्टेंट को हम अपने अरे में यूज़ करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो साइज़ है इसकी जगह पर हम सिंपल सिंबॉलिक कांस्टेंट लिख देते हैं। साइज़ को यहाँ पर मैं साइज़ लिख देता हूँ,
और साइज नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, सिंबॉलिक कांस्टेंट वेरिएबल बनाता हूँ, जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हैश डिफाइन और यहाँ पे ये सेम साइज और इसमें वैल्यू 10 स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने साइज लिख दिया। अब मुझे कहाँ कहाँ पे साइज लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी साइज लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी साइज लिखना पड़ेगा और बस इन तीनों जगहों पे हमें साइज लिखना पड़ेगा। अब मैं इसको कंपाइलर रन करूँगा तो हमारा जो कोड है सेम उसी तरह से रन करेगा जो पहले रन कर रहा था। मैं 55, 66, 6 और ये मैंने डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवाई हैं, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू में। तो मैक्सिमम वैल्यू है 9777, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड, इसमें ये जो डिफाइन हैश डिफाइन यूज़ किया, इसको बोलते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट हमने यूज़ क्यों किया है फ्रेंड, अगर मैं ये देखें, हमारा जो लूप है वो 10 टाइम रन करेगा, लूप हमारा 10 टाइम रन करेगा और हम सिर्फ 10 वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, अगर हमने बहुत लेंथी कोड बनाया हुआ है, बहुत बड़ा कोड लिखा हुआ है और उसके अंदर जाके हम चाहते हैं कि हमारा जो ये लूप है ये 10 टाइम ना रन हो बल्कि 15 टाइम रन हो, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने कोड में ढूंढना पड़ेगा साइज़, ये कहाँ कहाँ पे हमने साइज़ लिखा है उसमें जाके 15 करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे इसको ढूंढना पड़ेगा, इसको भी 15 करना पड़ेगा और इसके नीचे देखेंगे अगर कोई साइज़ है तो उसको भी 15 करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज़ किया तो उसमें क्या करना पड़ेगा, किसी को भी 15 नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इस 10 को जाके 15 कर देंगे तो हमारा लूप भी 50 टाइम रन होगा, हम ये जो वैल्यूज स्टोर होंगी ये भी 15 वेरिएबल्स में स्टोर होगा। अब मैं इसको कंपाइलर रन किया तो ये देखें फ्रेंड, अब हमारे पास 15 वेरिएबल्स स्टोर होंगी और अरे जो बना होगा वो भी 15 वेरिएबल्स का ही बना होगा, ठीक है। देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखिए फ्रेंड, हमारे पास जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू थी वो 15 बन गई, ठीक है। ये देख सकते हैं आप फ्रेंड, सिंबॉलिक कांस्टेंट को यूज़ करने का सिर्फ यही एक बेनिफिट है कि हमें अपने कोड में हर जगह पे जाके ये नहीं लिखना पड़ता, ये साइज़ को चेंज नहीं करना पड़ता। साइज़ हम एक दफ़ा लिख देते हैं, हर जगह पे हम साइज़ लिख देते हैं और सिर्फ यहाँ पे इसका साइज़ चेंज कर देते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, इसके साथ हमारा लूप भी चेंज हो जाता है, लूप भी 15 टाइम रन होगा और ये जो वैल्यूज़ चेक होंगी ये भी 15 टाइम चेक होंगी। तो फ्रेंड, यही एक बेनिफिट है सिंबॉलिक कांस्टेंट को यूज़ करने का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है।